नमस्कार, मैं रजनी सैनी और आप देख रहे हैं हलचल रेस्टोरेंट। भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, उस महाविद्यालय की खस्ता हालत आप इस वीडियो में जरूर देख सकते हैं। कॉलेज में परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राएं हाथ में जूता चप्पल उठा घुटने भर पानी में गिर कर परीक्षा भवन तक पहुँचे। आपको बता दें कि बिहार के छात्र छात्राओं ने देश विदेश तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रखा। परीक्षार्थी हैं, ऐसे में कुछ तो खास बात नहीं होगी छात्र छात्राओं में। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही छात्र छात्राओं की जिन्होंने कौन सी परीक्षा देने के लिए आप लोग आए। अभी तक ऐसे आप पढ़ाई के लिए पानी हिलकर कभी गए थे? कभी नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपीरियंस है। कैसा अनुभव कर रहे हैं फिर? क्या कहें, आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इतने पानी होने के बावजूद। देखने को मिला, जिसके बाद पीएन सिंह डिग्री कॉलेज के समीप स्थानीय लोगों के द्वारा ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई और प्रति परीक्षार्थी 20 रुपए की वसूली के बाद परीक्षार्थियों को कॉलेज के मुख्य द्वार से परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया गया। हालांकि इस स्थिति से बीते दिन हलचल न्यूज 24 की टीम के द्वारा महाविद्यालय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक को अपनी वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन स्थिति ढाक से तीन पात रही और आज का नजारा आपके सामने है। आपको बता दें कि बिहार में आज भी अनेक ऐसे गांव हैं जहां की बच्चे और बच्चियां नदी नाले पार कर 3 से 5 किलोमीटर तक की दूरी प्रतिदिन पैदल तय करते हैं। बताया जाए कि कल से बारिश हुई है और बारिश के बाद राजेंद्र कॉलेज परिसर में काफ़ी जल जमाव है, परीक्षार्थियों को आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसी इसी में आप लोगों के द्वारा क्या व्यवस्था? यहाँ तो जल जमाव एक महीने से है, पूरे कॉलेज में सभी क्लास रूम में और प्रिंसिपल चैम्बर में एक महीने पहले ही सब लिखा गया है नगर आयुक्त को, DM साहब का स्पष्ट ऑर्डर है पानी निकालने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ नगर निगम के द्वारा, कुछ नहीं हुआ। वार्ड कमिश्नर और वो नगर इंस्पेक्टर को वो कहते हैं, वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं, इसलिए सब लोग थक गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन, बाहर का पानी है, पूरे शहर का पानी राजेंद्र कॉलेज में प्रवेश कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, हम लोग सबको सोच, कमिश्नर साहब को लिखा गया, DM साहब को लिखा गया, सब का निर्देश भी नगर निगम को है, लेकिन वो कुछ सुनते। तो परीक्षा कहाँ पे आई गई है? परीक्षा भवन में परीक्षा हो रही है जी।
परीक्षा तो शासन का ऑर्डर है तो उसको लेना ही है, एनी हाउ लिया जा रहा है किसी ढंग से। पानी में घुसकर लोग आ जा रहे हैं आपके सामने।